नमस्कार दोस्तों। तो चलिए इस लेक्चर में एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में बात करते हैं। मुक्त व्यापार समझौते की मुश्किलें। आरसेप करार के कारण भारत में सस्ते आयात बढ़ते और पहले से मुश्किल में फंसे किसानों की परेशानियां और बढ़ती। इसके संपादक हैं डॉक्टर भरत झुनझुनूवाला। ये लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री व IIM बेंगलोर के पूर्व प्रोफेसर हैं। इन्होंने लिखा है, वे इन्हीं के विचार हैं सब हम लोग देखें। तो प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के नेतृत्व में आकार ले रहे मुक्त व्यापार संगठन रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी आरसेप से बाहर रहने का निर्णय लिया। पूर्व एशिया के देशों द्वारा आसियान नाम से बने संगठन में इंडोनेशिया, याद रखिए इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, बुनेई, कंबोडिया, लाओस समेत कुल 10 शामिल हैं। 2010 में चीन भी इससे जुड़ गया। 2010 में चीन और आसियान देशों के बीच व्यापार संतुलन आसियान के पक्ष में था। ये चीन से आयात कम और से निर्यात अधिक करते थे। व्यापारिक मोर्चे पर आसियान को 53 अरब डॉलर की बढ़त हासिल थी, मगर 2016 तक तस्वीर पूरी तरह बदल गई। तब तक आसियान का चीन को होने वाला निर्यात घट गया और आयात बढ़ गया। आसियान को 54 अरब डॉलर का घाटा होने लगा। आसियान देशों को चीन के साथ समझौता करने से नुकसान हुआ। बाद में आसियान से चीन के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया भी जुड़ गए। इस जुड़ाव को आरसेप का नाम दिया गया। आरसेप व्यापार समझौते का हिस्सा बनते ही भारत में पूर्वी एशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इत्यादि देशों के साथ मुक्त व्यापार व्यवस्था लागू हो जाती और इन देशों की वस्तुएं बगैर आयात करके भारतीय बाजार में प्रवेश कर जाती। तमाम भारतीय संगठनों का मानना है कि आरसेप के कारण भारत में सस्ते आयात बढ़ते और पहले से मुश्किल में फंसे किसानों की परेशानियां और बढ़ती। मुक्त व्यापार समझौते को लेकर खुद आसियान देशों का यही अनुभव रहा है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि मुक्त व्यापार नुकसानदेह क्यों साबित हो रहा है। मुक्त व्यापार के तहत किसी वस्तु का उत्पादन वही देश करे जहां वह सबसे सस्ती दर पर बनाई जा सकती है। मसलन चीन में CFL बल्ब और भारत में एंटीबायोटिक दवाएं। इससे भारतीय उपभोक्ताओं को चीन में बने सस्ते बल्ब मिलेंगे और चीनी उपभोक्ताओं को भारत में बनी सस्ती दवाएं मिलेंगी। दोनों देशों के उपभोक्ताओं को सस्ता माल मिलने से उनके जीवन स्तर में सुधार होगा, किंतु आसियान को इस तरह का लाभ नहीं हुआ। दरअसल यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक देश को किसी वस्तु के निर्माण में महारत हासिल हो। जैसे कक्षा में छात्रों के साथ होता है, कई छात्र कई विषय में प्रवीण होते हैं तो कई छात्र किसी एक विषय में ठीक नहीं होते हैं। ऐसे पिछड़े छात्रों के लिए प्रतिस्पर्धा नुकसानदेह हो जाती है। इसी प्रकार कई देश किसी भी वस्तु का निर्यात नहीं कर पाते और कमजोर होते जाते। उनके उपभोक्ता को विदेश में बना सस्ता माल अवश्य मिल जाता, लेकिन घरेलू उत्पाद दबाव में आ जाते हैं। दूसरी समस्या है कि सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को मुक्त व्यापार में नहीं शामिल किया जाता, जैसे कि भारत में सॉफ्टवेयर, अनुवाद, कार, सिनेमा इत्यादि किफ़ायती होने के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं, लेकिन आरसेप के तहत केवल वस्तुओं को शामिल किया गया है, सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है। जिन उत्पादित वस्तुओं के मामले में भारत कमजोर है उनके व्यापार की राह तो खोल दी जाएगी, किंतु जहां भारत सुदृढ़ है वहां अवरोध बन रहा है रहेगा। इसलिए आरसेप भारत के लिए नुकसानदेह है। इससे जुड़ी तीसरी समस्या छोटे और बड़े उद्योगों की है। मुक्त व्यापार से बड़ी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ होगा, क्योंकि वे किसी एक स्थान पर बड़े पैमाने पर माल का उत्पादन कर उसका निर्यात कर सकती हैं। फलस्वरूप छोटे उद्योग दबाव में आ जाएंगे। अपने देश में इसका उदाहरण GST के रूप में देखा जा सकता है। GST के बाद बड़े उद्योग का दबदबा और बढ़ा, जबकि छोटे उद्योग और दबाव में आ गए। आरसेप के तहत चीनी कंपनियों का दबदबा
दबदबा कायम होगा और भारतीय छोटे उद्यमों का दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। छोटे उद्योगों द्वारा ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। इस लिहाज से भी आरसेप आम आदमी और किसानों के लिए नुकसानदेह था। इन तीनों कारणों से मुक्त व्यापार सिद्धांत नाकाम हो जाता है। ऐसे में भारत का इससे बाहर रहने का फैसला उचित है। हालांकि यह भी सही है कि मुक्त व्यापार से वित्तीय स्पर्धा बढ़ती है और उद्यमियों की कार्य कुशलता और क्षमताएं बेहतर होती हैं। ऐसे में सरकार के सामने अब चुनौती यह है कि आरसेप से बाहर रहकर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए। हमें चिंतन करना होगा कि चीन इतना सस्ता माल बनाने में कैसे सक्षम है। इसकी पहली वजह चीन में श्रम कानून का कमजोर होना, दूसरी वजह चीन में सकारात्मक भ्रष्टाचार, यानी वहाँ भ्रष्टाचार के माध्यम से उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। सरकार को चाहिए कि श्रम कानून को नरम बनाए जिससे श्रमिकों की उत्पादकता बढ़े। इसके साथ ही जमीनी स्तर पर सरकारी कर्मियों के भ्रष्टाचार पर नकेल कसे। चीन का माल सस्ता होने के और भी कारण हैं, जैसे वहाँ औद्योगिक प्रदूषण को लेकर भारत जितनी सख्ती नहीं है। भारत में उत्पादन लागत ज़्यादा होने की वजह यह भी है। प्रदूषण पर रोक के कारण भारत में उत्पादन लागत ज़्यादा होने को हम स्वीकार करना चाहिए। वो अपनी वित्तीय स्पर्धा क्षमता बनाए रखने के लिए दूसरों देशों पर यह दबाव डालना चाहिए कि वे पर्यावरण की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाएं, क्योंकि धरती का पर्यावरण हम सबकी साझा विरासत है। यदि हम सिर्फ कानून और भ्रष्टाचार के मसले पर रवैया सुधार लें तथा पर्यावरण को लेकर दूसरे देशों पर दबाव डालें, तो हमारा माल भी दूसरे देशों के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बनेगा और तब हमें मुक्त व्यापार समझौते के अपेक्षित परिणाम हासिल होंगे। भविष्य के लिए दूसरा विषय सेवा क्षेत्र है। भारत को आरसेप में ही नहीं बल्कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि भारत उन्हीं देशों के साथ वस्तुओं का मुक्त व्यापार समझौता करेगा जिनके साथ सेवाओं के मुक्त व्यापार का भी समझौता होगा। इसलिए भारत चीन से सस्ते बल्ब का आयात कर सकेगा और सिनेमा इत्यादि का निर्यात कर सकेगा, तब यह मुक्त व्यापार समझौता हमारे लिए लाभप्रद होगा। एक अन्य विषय छोटे उद्योगों के संरक्षण का है। हमारे देश बड़ी आबादी वाला देश है, यहाँ बड़ी संख्या में युवा रोजगार को तरस रहे हैं। इसलिए हमें दिग्गज विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में आयातित माल विशेष आयात कर लगाने चाहिए, तभी अपने देश में छोटे उद्योग पनप सकेंगे और आम आदमी को रोजगार और जीवन का अवसर मिल सकेगा। रोजगार होने पर ही सस्ते माल की सार्थकता है, शायद इसलिए प्रधानमंत्री ने आरसेप से बाहर रहने का फैसला किया है। इस बीच सरकार श्रम कानूनों में सुधार, सेवाओं का निर्यात एवं छोटे उद्योगों के लिए संरक्षण को बड़ी पहल कर, ताकि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। चलिए, तो ये था हमारा महत्वपूर्ण एडिटोरियल।